presented by SD Live. मोहित कुमार जी स्वामी एवं सभी सैवृत मुनिश्री को मेरा कोटि कोटि वंदन। सम्मानित पदाधिकारी के गण एवं विराजित धर्म सभा एवं गुजर साहब एवं कल्पेश जी, आज हम सब आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हैं। हम उस महान व्यक्तित्व का शताब्दी समारोह मना रहे हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। छोटी सी उम्र में 10-11 साल की उम्र में दीक्षा लेना कोई सोच नहीं सकता। उस समय उनमें ये भावनाएं आना और बाद में दीक्षा ग्रहण करना और मुनि बनने के बाद में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना और उन्होंने जो आयाम स्थापित किए हैं तेराफत धर्म संघ हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कई नए नए प्रयोग भी किए। जब आचार्य तुलसी ने अनवरत आंदोलन शुरू किया था उस समय भी उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैन विश्व भारती को स्थापना में भी आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान था। प्रेक्षा ध्यान जिसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी को केवल 53 धर्म समाज के ही नहीं इवन सभी धर्मों के जो बड़े बड़े संत हिंदुस्तान में हुए हैं सब जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के बारे में। प्रेक्षा ध्यान महाप्रज्ञ जी की एक बहुत बड़ी देन है इस समाज को और प्रेक्षा ध्यान आज प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर्स भी कई जगह खुल चुके हैं। इवन भारत के बाहर भी इस तरह के सेंटर्स चल रहे हैं और एक सेंटर जो दिल्ली में चल रहा है उनका प्रबंधन हमारे एक चीफ रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स में थे वो भी तेरापंथी थे केसी जैन साहब वो उनका प्रबंधन देख रहे हैं। और वो जब हमारे बॉस थे तो जब भी मिलना होता था तो वो अक्सर कहते थे कि वहाँ असाध्य बीमारियाँ जो लेकर आते थे उन वो भी वहाँ से 15-20 दिन में मेडिटेशन से हमने ठीक करके भेजा है लोगों को। तो ये जो परीक्षा मेडिटेशन जो सिस्टम जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस धर्म संघ को दिया है पूरी मानवता को दिया है तो ये बहुत बड़ी देन है इस धर्म संघ के लिए और मानवता के लिए। Presented by SD Live. आचार्य श्री लेखक के रूप में भी काफी पॉपुलर भी हैं दूसरे समुदायों में भी और जो इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं उनका साहित्य कई भाषाओं में है और हिंदी संस्कृत प्राकृत और राजस्थानी भाषा के तो वो खुद भी विद्वान थे। उनमें किताबें भी काफ़ी लिखी हैं 300 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर आचार्य महाप्रज्ञ जी को उनके व्यक्तित्व को अगर ढंग से समझना है तो उनको साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो शायद वो ढंग से समझ पाएंगे। उनमें वो सारे गुण जो गुण हैं जिन्हें इतने गुण हैं उनके गुण गिना नहीं सकते। इतने बड़े धर्म संघ के आचार्य बनने के बाद में भी अपने गुरु के प्रति उनकी जो श्रद्धा और जो नम्रता थी उस सब से आप परिचित हैं। मैं इस अवसर पर आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में एक जरूर बात कहना चाहूँगा। अहिंसा यात्रा जो उन्होंने निकाली
वो केवल तेरहवें धर्म से के लिए नहीं निकाली, पूरा हिंदुस्तान का लोगों के लिए सोच कर निकाली। उस समय जो माहौल था, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता जा रहा था, पूरे हिंदुस्तान में बिगड़ता जा रहा था, उस समय उन्होंने जो कदम उठाया 2001 में जब ये यात्रा शुरू की, तो 8 साल तक 2009 तक उन्होंने ये यात्रा जारी रखी। और राजस्थान के कच्छ से कोलकाता तक और पंजाब से कन्याकुमारी तक कम से कम 10,000 गांवों में उन्होंने सभाएं भी की और लोगों को संदेश भी दिया। और इतनी लंबी समय तक पदयात्राएं करना, ये अपने आप में मामूली बात नहीं है, हर कोई इंसान नहीं कर सकता। वो महान व्यक्तित्व ही इस तरह कर सकता है। वो महान संत भी थे, महान योगी भी थे, महान फिलोसोफर भी थे। उनके दर्शन पर उनके जो किताबें हैं काफ़ी अनुकरणीय हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को सही भावांजलि तब होगी जब उनके दिखाए हुए मार्ग को हम अपनाएं और उसको अनुसरण करें, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओम मरो।